Good morning. Today we will continue with neutralization effect, use of neutralization reaction in our day to day life. हम अपने डे टू डे लाइफ में इसका क्या क्या यूज करते हैं. पहला आपने एक देखा होगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड इनडाइजेशन. इनडाइजेशन अब अपच हम लोग सुनते हैं, खाना खाया नहीं लोगों ने, कि डकार पे डकार किए जा रहे हैं. क्या हो रहा है जी, पेट में जलन हो रही है. क्या क्यों हो रही है जी, एक्स्ट्रा खा लिया, कभी फैटी खाना खा लिया, कभी ज्यादा मसालेदार खा लिया, कभी रात में लेट खाना खाया और रात में नहीं सोए. आपको क्या हो रहा है, जलन हो रही है. फिर आपकी मदर या कोई कहते हैं एक काम करो, इसको इनो दे दो. तो एक पानी गिलास पानी लाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इनो फारक डाल दिया, पी लेते हैं. या वो आता भी है डाइजिन की टेबलेट आती है, डिफरेंट पुदीन हरा या डिफरेंट चीजें, यू आर यूजिंग दैट थिंग. अब क्या हो रही है, वो इनो जो आप पी रहे हो डियर, वो जो होता है वो बेस होता है. वो बेस आपके, अब पहले बात आता है कि वो जलन होता क्यों है. आपके शरीर में क्या होता है बच्चे, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है बच्चे, हमारा शरीर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करता है. कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूज करता है. जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या किसी और रीजन से, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में HCl ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और जो ज्यादा HCl प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो जलन काउज करना शुरू कर देता है. आप उसको शांत करने के लिए क्या पीते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज MgOH का हॉल ट्वाइस. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, एसिड प्लस बेस आपका ये सॉल्ट बन गया, और आपको बिल्कुल रिलैक्स फील हो जाता है. थोड़ी देर बाद मन करता है और थोड़ा सा खा लें, ठीक है. तो दैट्स द यूज ऑफ इंडाइजेशन. दूसरा आपने देखा होगा सॉइल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं बच्चे. किसका यूज करते हैं इसमें हम लोग, सॉइल ट्रीटमेंट. अब ये कहोगे कि सर जमीन का कौन सा ट्रीटमेंट होता है, जमीन के ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है. अक्सर देखा होगा आपने कि खेतों में आजकल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कभी कभी आपका खेत ऊसर हो जाता है, इसको कहते हैं बंजर हो गया. आप उसमें बीज भी सब डालते, लेकिन कोई पेड़ या कोई कुछ नहीं पैदा होता. अक्सर लोगों ने देखा होगा, अपने पापा से पूछ सकते हैं कि पापा ये बंजर खेत क्या होता है, ऊसर खेत क्या होता है. वहां आप सब कुछ डालते हो, पानी भी जाता है आपका, वो बीज भी जाता है, लेकिन कुछ पैदा नहीं होता है. रीजन इसके है सिंपल. अब आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, वहां से मिट्टी को कुछ कलेक्ट कीजिए. उस मिट्टी को क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में पानी डाल के पानी में उस मिट्टी को घोल दीजिए, डाल दीजिए पानी में मिट्टी को, डाल दीजिए पानी में मिट्टी को. डालने के बाद आपको कहोगे कि सर पानी में तो मिट्टी घुलता नहीं है. कोई बात नहीं, पानी में मिट्टी नहीं घुलता है, लेकिन एसिड और बेस, मैंने भी पीछे पढ़ाया था कि पानी में वो क्या होता है, घुल जाता है. जब पानी में डाल लिया, उसके बाद एक काम कीजिए, उसको जो है छान लीजिए. छानने पर क्या होगा, सारी मिट्टी अलग हो जाएगी और पानी निकल गया. अब उस पानी में क्या कीजिए, आप लिटमस पेपर लीजिए और लिटमस पेपर डाल के देखिए. दो लिटमस पेपर ले लीजिए, डालिए. अगर वो ब्लू से लाल हो गया तो आपका खेत एसिडिक है, हम उसमें चूना उना डालेंगे, बेस डालेंगे. अगर वो लाल से ब्लू हो गया तो मतलब बेसिक है, उसमें एसिड डालेंगे, और अल्टीमेटली आपका सॉइल जो है फिर से खेती करने लायक हो जाएगा. इसके अलावा तीसरा इसका यूज जो होता है बच्चे, कभी कभी आप लोगों को मधुमक्खी या एंट या बी स्टिंग, अरे भाई बिरनी काटा है, बिरनी काट लेती है, कभी मधुमक्खी काट लेती है, कभी कभी तो वो काली काली सी चींटी भी काट लेती है, बड़ा लहरता है. क्या करते हैं लोग, अब उसमें पहले जो थे गांव करते थे उसमें लोहा सटाओ लोहा सटाओ लोहा सटाओ, लोहा ठीक है, लोहा सटाने से क्या होता है, लोहा के ऊपर भी एक छोटा सा पतला लेयर ऑफ ऑक्साइड होता है, जो बेसिक होता है, वो मेटल ऑक्साइड होता है ना बच्चे, वो बेसिक होता है. लेकिन सबसे बेस्ट इलाज क्या है, अगर आपके घर में साबुन है, टूथपेस्ट है, चूना पप जो है, कोई कुछ भी ऐसा है, उस पर आप लगा दीजिए. टूथपेस्ट होता ही है आजकल, सबके घर में मिलता है टूथपेस्ट, ठीक है. नहीं तो तम चूना, चूना समझ ही रहे हो. नहीं तो क्या मैंने कहा आपको, क्या कहते हैं, साबुन, कुछ सी भी चीज को उस पर लगा दो. क्योंकि होता क्या है बच्चे, कि आप जो आपको जो वो ततैया वतैया जो भी ततैया मीन बिरनी या मधुमक्खी या चींटी जो भी कोई काटती है, वो आपके शरीर में एसिड इंजेक्ट कर देती है,
और उस एसिड में जो मैंने साबुन का नाम लिया, टूथपेस्ट का नाम लिया, या मैंने क्या कहते हैं चूने का नाम लिया, ये सब सारी जो होती है बेस होती है। जैसे आप एसिड प्लस बेस, वो आपका क्या होगा बच्चे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको जलन कम होगी, आप रिलैक्स फील करोगे। ये नहीं कि वो फूलेगा नहीं, फूलेगा लेकिन जलन नहीं करेगा, आप रिलैक्स होगे, जलन नहीं होगी लेकिन आपको होगा। इसके अलावा इसका और भी यूज होता है बच्चे, फैक्ट्री वेस्टेज जो निकलता है, जो फैक्ट्री से वेस्टेज निकलता है, तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। तो सीधा उसको नदी तालाब में डाल देंगे तो उसके सारे जो है एनिमल्स मर जाएंगे, मछली उसकी मर जाएगी। तो इसका तरीका ये होता है कि उसको हम पहले न्यूट्रल करने के बाद ही डालते हैं, जिससे कि उस तालाब या उसका मछली या जो भी जलीय जीव है वो ना मरे। ठीक है, ये इसके जो है डिफरेंट हमारे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज है। ठीक है, अक्सर अब आपने देखा होगा बिरनी, तो अभी खूब आम का महीना आने वाला है, खूब बिरनी काटता है। हम लोग बिरनी से इसीलिए डरते हैं, वो काट लेती है, अगर ना काटते तो हम लोग उससे डरते नहीं है। बिरनी काटे या नहीं कि भैया नानी क्या होती है, फटाक से क्या कीजिए, उसको टूथपेस्ट लगा दीजिए, आप आराम से। अब इसके बाद एक आज की डेट में सबसे कॉमन चीज हो गया है, जो कि हमारे आपके लिए जो है सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी हम लोग कोरोना से मर रहे हैं। तो ड्यू टू एक नया नहीं पुराना बहुत सारा एसिड रेन, ये क्या होता है बच्चे, क्या होता है कि हम सब जो है आज की डेट में विकास के लिए बढ़ते जा रहे हैं, एक्सेसिव कम फैक्ट्री लगाई जा रही है, घरेलू गाड़ियां रोड पे दौड़ती है, प्लांट्स तो कट किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाता है, ढेरों गैसेज जैसे कि आपके चिमनी के धुएं से निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, डिफरेंट गैसेज हमारे एटमोस्फेयर में जो होती है वो तैरती रहती है। अब जब बारिश होती है तो अभी आपको मैंने पढ़ाया कि दैट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है और पानी में घुल के अर्थ पे आ जाती है, और वो जो शुरू का वो अर्थ पे जो पानी आता है दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। ये एसिड रेन होता है, ये कभी इसलिए देखा होगा इसका इफेक्ट क्या होता है, ये जो है सो क्या कहते हैं पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते पूरे जला देते हैं। इसीलिए कभी भी पहली बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो ऐसी रेन होता है वो आपके चमड़े को खराब कर सकता है। आफ्टर सम टाइम 10-15 मिनट बारिश हो गई उसके बाद वो सारा नीचे आ जाएगा, उसके बाद पानी में नहाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम में उस बात को ध्यान रखना चाहिए। एसिड रेन क्या क्या करता है, एसिड रेन जो है बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, अभी आपने सुना होगा ताजमहल, वो धीरे धीरे कुरूप होता जा रहा है, वो भी एसिड रेन के ही कारण होता चला जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है, एसिड रेन से पत्ते पेड़ पौधे वो झुलस जाते हैं। एसिड रेन के कारण बच्चे क्या होता है, जो हमारे क्या कहते हैं हमारी मिट्टी है वो एसिडिक या बेसिक हो जाती है। इसके अलावा जो होता है ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये बिल्डिंग स्टैचूज इन सब को, इनफैक्ट पानी नदी तालाब इन सब को भी क्या करता है, कंटामिनेट कर देता है, मतलब पॉल्यूटेड कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ जो होता है, जलीय जीव जो होता है वो लोग भी मर जाते हैं। अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं, आप न्यूज सुनते होंगे, अभी हम लोग लॉकडाउन में जी रहे हैं, अभी आप सुनते होंगे कि यहाँ ये जीव निकल गया, यहाँ डॉल्फिन आ गया, यहाँ ये गंदा, ये इतना गंगा जी साफ हो गया, यमुना जी साफ हो गई। रीजन यही है कि ये जो अभी लगभग 1.5 महीने से हम लोग 2 महीने से जो है हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं, इसके कारण क्या हुआ है कि मनुष्य का मूवमेंट कम हो गया, अल्टीमेटली नेचर धीरे धीरे साफ हो रहा है, और सभी जो जानवर हैं वो नेचर को क्या कर रहे हैं बच्चे, इंजॉय कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। वी हैव टू डेवलप, बट डेवलप विद सस्टेंस, मतलब हमको विकास करना है लेकिन वो विकास भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना है, ठीक है, ना कि सिर्फ वर्तमान को ध्यान में रखे। अगर हम ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो हम प्रॉपरली डेवलप करेंगे और हमारा जो है भविष्य का पीढ़ी भी जो होगा वो क्या रहेगा बच्चे, सुरक्षित रहेगा और सब सुरक्षित रहेगा। राइट नाउ दैट लेसन इज कम्प्लीटेड, योर होमवर्क इज यू हैव टू कम्प्लीट होमवर्क, आपका हो गया चैप्टर इंड एक्सरसाइज, पूरा कॉपी में करना है फेयर में चैप्टर इंड एक्सरसाइज। उसके अलावा जो है आपको जो है ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये फ्लो चार्ट कॉपी में बनाना है, फ्लो चार्ट, ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपको यहाँ देखते हैं पेज में, पेज नंबर 70 पे पूरा, ठीक है ना, इस फ्लो चार्ट को कॉपी में प्रॉपरली बनाना है। एंड दैट्स बी ओवर फॉर यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।